चंद, अब आप लोग मिलिट्री अरेंजमेंट के बाद टॉपिक डालेंगे। पार्ट नंबर 11 में हम लोग आ गए हैं, पेन नंबर ही 11 भी है अभी। और टॉपिक है जस्टिस सिस्टम, टॉपिक डालेंगे जस्टिस सिस्टम में, और न्याय की व्यवस्था थी मौर्यन एम्पायर में वो कैसी थी, जो वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज होते हैं वैसे जब भी थे, बस थोड़े नाम बदल गए थे अधिकारियों के, वो हम लोग लिखेंगे। केसेस के नाम बदल गए थे, जैसे सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केस, उसके नाम बदल गए थे, ये बताते हैं क्या है। जस्टिस सिस्टम में लिखेंगे द एम्परर वॉज द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ द जस्टिस सिस्टम, द एम्परर वॉज द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ द जस्टिस सिस्टम, द लोअर लेवल हैड द विलेज कोर्ट्स वेयर द ग्रामनी एंड द विलेज वाइज डिसीजन वॉज गिवन, द लोअर लेवल हैड द विलेज कोर्ट्स वेयर द ग्रामनी एंड द विलेज वाइज डिसीजन वॉज गिवन। लोअर लेवल में विलेज कोर्ट्स का नाम क्या था, ग्रामनी, GRAMANI, जहाँ पे विलेज वाइज डिसीजन लिए जाते थे एक गाँव के हिसाब से, विलेज वाइज डिसीजन है ना। और सुप्रीम ऑफिसर जस्टिस सिस्टम का एम्परर था, ठीक है, जो राजा है वो सुप्रीम ऑफिसर है। विलेज लेवल पे ग्रामनी लगा रखे उसने, GRAMANI, ग्रामनी जो डिसीजन लेते थे। द हाइएस्ट कोर्ट वॉज द सेंट्रल कोर्ट एट पाटलिपुत्र, द हाइएस्ट कोर्ट वॉज द सेंट्रल कोर्ट एट पाटलिपुत्र, हाइएस्ट कोर्ट कहाँ थी, पाटलिपुत्र में, जो आज पटना को पाटलिपुत्र बोल सकते हैं हम, उस टाइम के जो आज पटना है वो पाटलिपुत्र, तो जो मिडिल, सबसे बिहार में मिडिल, पटना बिल्कुल मिडिल में माना जाता है इंडिया के, और बहुत बड़ी सिटी थी उस टाइम भी, वेल्थ भी बहुत था, तो वहां पे उसने हाईएस्ट कोर्ट बना रखी थी। सेंट्रल कोर्ट कहां थी, पाटलिपुत्र में। फिर लिखेंगे एवरी कोर्ट वॉज ऑफ टू काइंड्स, एवरी कोर्ट वॉज ऑफ टू काइंड्स, दो तरह की कोर्ट्स थी। पहले लिखेंगे धर्मस्थाई, पहले लिखेंगे धर्मस्थाई, जो नंबर वन ले रखा है पेज नंबर 11 पे, DHARMASTHIY, धर्मस्थाई। देखिए आप लोग बेसिक मीनिंग समझेंगे धर्मस्थाई, और अगली आएगी कंठक शोधन, है ना, नाम बदल रखे हैं बस, धर्मस्थाई कंठक शोधन आज भी होती है ये। आप लोगों ने सिविल केस और क्रिमिनल केस सुना होगा सिविक्स में। क्रिमिनल सिविल केस वो होते हैं जो बहुत गहन अपराध वाले केस नहीं माने जाते, जैसे कि मान लीजिए थेफ्ट, चोरी, छोटी मोटी चोरी कर ली, किसी का अपन ने पैसा फ्रॉड वगैरह में पैसा खा लिया, डाइवोर्स के केसेस, है ना, ये सब सिविल केसेस में आते हैं। और क्रिमिनल केसेस होते हैं मर्डर के, किडनैपिंग के, जिसमें किसी की जान ले ली गई हो, हत्या की गई हो, किडनैप किया गया हो, है ना, या और भी हम जैसे बात करें, चलिए दो काफ़ी हैं इसमें, और भी मतलब जो किसी को चोट पहुंचाने से रिलेटेड हो, वो क्रिमिनल केस होते हैं। और सिविल केस पैसे से रिलेटेड, थेफ्ट से रिलेटेड, डाइवोर्स के केसेस हैं, जो अपराध नहीं माने जाते, कानून उनको आपराधिक श्रेणी में नहीं डालता, उनमें हम बोले मेनली जमानत मिल जाती है ना। मतलब जैसे डाइवर्स का केस है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर सिंपल डाइवर्स का केस है, ऐसे विमेन हैरेसमेंट का केस नहीं होना चाहिए, मारपीट का केस नहीं होना चाहिए, सिंपल डाइवर्स का केस है, दो पति पत्नी डाइवर्स आते हैं, तो उन्हें सिविल कोर्ट में केस चलता है और डाइवर्स मिल जाता है, तो उसमें कोई जेल में नहीं जाता, कोई किसी पे पेनल्टी नहीं लगती, कोई ऐसा, जब तक कोई क्राइम ना हुआ हो, कोई वायलेंस ना हुआ हो, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, पत्नी को मारा पीटा नहीं गया, उस केस में वो साइबर्स केस सिविल केस ही कहलाता है। क्रिमिनल केस मर्डर वगैरह या किडनैपिंग करी गई हो बड़े लेवल की, है ना, रॉबरी करी गई हो बहुत बड़ी उसकी मानी गई हो, तो वो उसमें आएगी, ठीक है। तो उनका नाम सिविल केसेस का नाम धर्मस्थाई लिखा गया था, धर्मस्थाई आप लोगों ने लिखा, उसके बाद लिखेंगे द जुडिशियल टास्क इन दीज कोर्ट्स वॉज इन द हैंड्स ऑफ थ्री प्रैक्टिकल और एक्सपर्ट्स इन रिलीजियस टेक्स्ट एंड थ्री अमात्यास, ठीक है। यहाँ पे किसके हाथ में था, थ्री एक्सपर्ट होने चाहिए रिलीजियस टेक्स्ट में, रिलीजियस टेक्स्ट उन्होंने ढंग से पढ़े हुए हों, और अमात्य, तीन अधिकारियों को नाम था, अमात्य को नाम काम दिया गया, ये तीन तो प्रैक्टिकल एक्सपर्ट्स होंगे जिन्होंने धार्मिक किताबें पढ़ रखी होंगी, और तीन अमात्य होंगे। द धर्मस्थाई वॉज अ काइंड ऑफ सिविल कोर्ट, द धर्मस्थाई वॉज अ काइंड ऑफ सिविल कोर्ट, एग्जाम्पल थेफ्ट एंड रॉबरी, एग्जाम्पल धर्मस्थाई वॉज अ काइंड ऑफ सिविल कोर्ट, एग्जाम्पल थेफ्ट एंड रॉबरी, छोटी मोटी चोरी वगैरह, थेफ्ट एंड रॉबरी, इसको ब्रैकेट में लेंगे साहस, SAAHAS, थेफ्ट और रॉबरी को बोलते थे साहस। फिर लिखेंगे अदर केसेस है रॉन्ग प्रोमिसेस, रॉन्ग प्रोमिसेस डिफेमेशन, रॉन्ग प्रोमिसेस डिफेमेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे वाक परुष्य, वाक परुष्य, VAAKPARUSHY, वाक परुष्य, रॉन्ग प्रोमिसेस किसी को वादा किया तोड़ दिया। डिफेमेशन मतलब किसी के लिए मानहानि का अपराध होता है, मानहानि, आप किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दें पब्लिक उसमें प्लेटफॉर्म पे और वो अपराध लगा दे कि इसने मेरे खिलाफ ऐसा केस क्यों बोल दिया, ये रीजन दे, जैसे नेताओं वगैरह में चलता रहता है मानहानि केस, वो करते रहते हैं एक दूसरे को, जैसे मैं किसी नेता को किसी ने बोल दिया तो करप्शन है, पैसा खा के बैठा है, तो अगर उसे दिल पे चुभ गई ये बात, है ना, वो ईमानदार लीडर है, तो वो मानहानि का केस उसके खिलाफ कर सकता है। फिर कोर्ट ये पूछेगा कि आपने किस आधार पर ये बात बोली थी कि ये एक करप्टेड लीडर है,
आप हमारे पर सबूत लाओ, आपने बोला तो किस आधार पे बोला, तो वो डिफेमेशन का केस बनता है और उसको वाक्परुष्य बोलते थे। ये सब केस में मैं बताऊं आपको, मेन बहुत बड़ी सजा जेलों में नहीं काटनी पड़ती इन केसेस में, ठीक है, जमानत मिल जाती है। डिफेमेशन में भी बताऊं आपको, अगर वो साबित नहीं कर पाता तो डिफेमेशन में कोर्ट उसमें जुर्माना लगा देता है 1-2 लाख रुपए का, कि आप जुर्माना भरिए और अगली बार पाबंद कर देता है कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, बार बार रिपीट करेंगे तो फिर जेल में डाल देते हैं, ठीक है, 1-2 बार चल जाता है काम। सेकंड लिखेंगे कंठक शोधन, सेकंड है कंठक शोधन, इसमें लिखेंगे दीज वर क्रिमिनल कोर्ट्स 3 प्रदेष्टि, यहाँ प्रदेष्टि पढ़ा था आपने, है ना, 3 प्रदेष्टि एंड 3 अमात्यास टुगेदर डिसाइडेड ऑन द केसेस इन्वॉल्विंग द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। 3 प्रदेष्टि एंड 3 अमात्यास टुगेदर डिसाइडेड ऑन द केसेस इन्वॉल्विंग द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पे क्या होते थे, 3 प्रदेष्टि और 3 अमात्यास लगाए जाते थे। द टाउन जज वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामात्रा, द टाउन जज वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामात्रा, वाइल द डिस्ट्रिक्ट जज वॉज कॉल्ड राजुक, वाइल द डिस्ट्रिक्ट जज वॉज कॉल्ड राजुक, RAJJUK, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं, आपको वैसे ही लिखना है। टाउन जज को तो क्या बोलते थे, वैश्विक महामात्रा, और डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो संभालता था उसको क्या बोलते थे, राजुक, जो एक कस्बा संभालता है वो वैश्विक व्यवहारिक महामात्रा, और पूरे जिले का प्रशासन, जिले का जज वो होगा राजुक। ये क्रिमिनल केस मतलब कि मर्डर, है ना, किडनैपिंग वगैरह का जो केस है, जो क्राइम्स माने जाते हैं, रेप वगैरह में उसमें शामिल होते हैं वो सब, है ना, जो क्राइम माने जाते हैं, इसमें सजा का प्रावधान है, कोर्ट जेल में भेजता है अपराधी को, जुर्माना वगैरह लगा के या चेतावनी देके नहीं छोड़ता, ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे मौर्यन सोसाइटी, और ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा, फिर शुंग डायनेस्टी पे आएंगे, जिसको बृहदत्त को मार के शुंग बैठ गए थे ना गद्दी पे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये मौर्यन सोसाइटी में खत्म करते हैं। मौर्यन सोसाइटी में लिखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडेड बाय कौटिल्यास अर्थशास्त्र, मेगस्थनीस इंडिका एंड अशोकास इंस्क्रिप्शंस। देखिए, अगर हमें मौर्यन सोसाइटी के बारे में जानना है तो क्या पढ़नी चाहिए, कौटिल्य की अर्थशास्त्र किताब। अब मैंने इसको चाणक्य बोला था, कौटिल्य और चाणक्य एक ही बात है, एक ही नाम था, मेगस्थनीस इंडिका, ठीक है, ये बार बार नाम आ रहा था, और अशोका के इंस्क्रिप्शन लिखे थे। इन तीनों से हिस्टोरियंस ने हिसाब लगाया कि मौर्यन सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। अब इसमें हमने मौर्यन सोसाइटी पूरी पढ़ ली, अब इसमें लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द मौर्यन एज द स्टेटस ऑफ विमेन वॉज नॉट टू एडवांस्ड बट दे वर अलाउड नियोग एंड रीमैरिज। इन द मौर्यन एज द स्टेटस ऑफ विमेन वॉज नॉट टू एडवांस्ड बट दे वर अलाउड नियोग एंड रीमैरिज। देखिए, इसमें यह है, विमेन की जो सुधार था हालत में, वो मौर्यन एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर माना जाता है, गोल्डन इंडिया हमने लिख तो दिया, लेकिन क्या सही में गोल्डन इंडिया था? ये गोल्डन इंडिया सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से था, विमेन के लिए अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में भी, ठीक है, अच्छी नहीं है, मौर्यन एज में भी विमेन का स्टेटस बहुत खराब था, स्टेटस अच्छा नहीं था, लेकिन उन्हें नियोग और रीमैरिज की आज्ञा थी। रीमैरिज मतलब कि वापस विवाह करने की, और किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वापस रीमैरिज की आज्ञा विमेन को दे रखी थी, लेकिन फिर भी एजुकेशन के राइट्स, वोटिंग के राइट, घर से बाहर ना निकलना, ये सब उनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी, जो बहुत बड़ी एक तरह धब्बा था हमारे समाज के ऊपर, जो शुरुआत से चला आया, आज भी खैर ज़्यादा हम इस धब्बे को धो नहीं पाए, ठीक है, सुधार हो रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो रहा, आज भी विमेन की हालत, स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है इंडियन सोसाइटी में, और ये बड़ी दुख की बात है, ठीक है। तो मॉडर्न एज में भी वही था, स्टेटस विमेन का बहुत एडवांस नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें रीमैरिज की आज्ञा थी। शुंग डायनेस्टी अगला आएगा आप लोगों का, जो हम पार्ट नंबर 12 में पढ़ेंगे, सो थैंक यू।